हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद शीजा। आज हम देखेंगे झटपट 15 मिनट में बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। मराठी में बोलते हैं सुरईची वड़ी एंड गुजराती खांडवी की रेसिपी देखेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लगेगा एक कटोरी बेसन और एक कटोरी दही। दही को मैंने फेंट के लिया है और दही में पानी नहीं डाला है। अब हम बेसन और दही को एक बोल में निकाल देते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। जिस कटोरी से हमने दही लिया था उसी कटोरी से लेना है पानी। एक कटोरी बेसन, एक कटोरी दही और दो कटोरी पानी। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्ची को हमें मिक्सी पे थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना करके ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ी पतली हो गई है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 3 से 4 चुटकी जितना हल्दी पाउडर। अब हम ये सारी चीजें ना अच्छी तरह से मिक्स करनी है। बेसन में गुठली बन जाती है तो हमें इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, इसके ऊपर हम प्लेट को ना नीचे की साइड से ऑयल लगाना है। इस तरह से हमें 2-3 प्लेट तैयार करके रखनी है। फिर हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में इस तरह से छन्नी रख के हमने जो ये बैटर बनाया था बेसन और दही का, उसको हमें छान के लेना है। ये देखिए बेसन में कैसे गुठलियां बन जाती है, तो हमें बैटर को छान के लेना है ताकि बैटर में एक भी गुठली ना रहे। अब हम गैस को ना चालू कर देते हैं और अब हमें इसको पकाना है करीब 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। गैस का फ्लेम हर किसी का कम ज्यादा होता है, तो 1-2 मिनट कम ज्यादा लग सकता है। ये देखिए हमें चम्मच को कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी गुठली बन जाती है, तो हमें इसको चम्मच को बिल्कुल नहीं हटाना। ये देखिए 4 मिनट बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ना ये कैसा एकदम गाढ़ा बनने लगा है। तो इसी तरह से हम इसको फेंटते रहेंगे। ये देखिए 8 मिनट बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एकदम गाढ़ा बना है। और आप ना चम्मच की वजह से विस्क का यूज करें ताकि इसमें ना गुठली नहीं बनेगी। ये देखिए ये कैसे मैं चम्मच से इसको नीचे डाल रही हूं, तो ये कैसे थोड़ा टुटक टुटक थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है ना, तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की। ये देखिए एकदम जल्दी जल्दी नहीं आ रहा और मुझे चम्मच को ऐसे हिला हिला कर भी उसको नहीं डालना पड़ रहा है। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। या फिर मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ कि इसको कैसे चेक करें कि ये पका है कि नहीं। जिस प्लेट पे हमने ऑयल लगाया था उस प्लेट पर आप इसको इस तरह से डाल दे, ये देखिए थोड़ा सा फैला दे एक कॉर्नर पे और इसको ना ठंडा होने दीजिए। 1 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। और फिर इसको ना इस तरह से थोड़ा फोल्ड कीजिए। अगर ये फोल्ड हो रहा है मतलब ये परफेक्ट बना है, अगर फोल्ड नहीं होता है तो आप उसको और 1 मिनट तक पकाएं। चलिए ये अभी परफेक्ट हो गया है, तो इसको हम फटाफट डाल देते हैं प्लेट के ऊपर और एक चाकू की मदद से हम इसको इस तरह से फैला देंगे। आपको ध्यान रखना है जब तक ये बैटर गर्म है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको फैलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में बिल्कुल भी नहीं फैलेगा प्लेट के ऊपर एक बार ये गाढ़ा हो जाता है तो। ये देखिए इस तरह से हमें एकदम फटाफट इसको फैलाना है। बस आप ध्यान रखें कि गाढ़ा कंसिस्टेंसी चाहिए और तैयार होने के बाद आप इसको जल्दी जल्दी प्लेट के ऊपर फैलाएं, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने दे। चलिए ये देखिए ये तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरे और 2 प्लेट लगा लेती हूँ और फिर हम बनाते हैं तड़का। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 चम्मच राई, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 कटी बारीक हरी मिर्च और इसको करते हैं मिक्स। और तड़का यहाँ पे तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और देखते हैं हमारा ये पूरा
ठंडा हो गया है। अब हमें ना 1.5 इंच के गैप छोड़ के हमें इसको कट करना है इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से मैं दूसरे भी कट कर लेती हूँ और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये तड़का। और इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा हो गया है तो हमें ऑयल बहुत सारा नहीं डालना है, बस जो जीरा मोरी और हरी मिर्ची है ना वो डालनी है, नहीं तो ये बहुत ऑयली बन जाएगा। फिर हम थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा डालेंगे नारियल का बुरादा, या फिर फ्रेश अगर नारियल है तो उसका भी आप डाल सकते हैं, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अरे यहाँ पे ना थोड़ा इसका वीडियो थोड़ा कट हो गया है तो मैं दूसरा वाला आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको ना इसको बाद में इस तरह से पूरा फोल्ड करना है। ये देखिए, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है और एकदम धीरे धीरे करना है, नहीं तो ये ना बहुत जल्दी टूट जाता है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। मैं आपको दूसरा और एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें ना इसको एक साइड से इस तरह से रोल करते हुए पूरा इसको कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पे मैंने सारी खांडवी तैयार कर ली है, बहुत झटपट बन जाती है 15 मिनट में। ये देखिए इस तरह से। आप भी ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। थैंक यू, बाय बाय।